हेलो फ्रेंड्स, जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं कंट्रा वाउचर के बारे में कि सॉफ्टवेयर की क्या होती है, या कोड क्या होती है, या कैसे हम कंट्रा वाउचर में ट्रांजेक्शन करते हैं जान लेते हैं। उसके पहले कुछ रूल उसके जान लेते हैं कि कैसे ट्रांजेक्शन हम कंट्रा वाउचर में करते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे ट्रांजेक्शन जहाँ पैसा खर्च नहीं होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक बैंक से दूसरे बैंक, एक जगह से दूसरे जगह, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कंट्रा वाउचर। या ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें सिर्फ कैश और बैंक की बात हो रही है, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, ऐसी बातें हो रही है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन भी कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कंट्रा वाउचर कहाँ करते हैं? कंट्रा। कोई दिक्कत करो नहीं आया ना? इतने हराम दूर हो गए, टैली को वो मजाक ले रहे, बताओ। समझ में आगे बात? वही नीचे दिया गया, चार प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, फंड ट्रांसफर या कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच एंड ब्रांच। मान लो यहाँ भी गायत्री है, फैजाबाद में भी गायत्री है, यहाँ से तो पैसा वहां ट्रांसफर कर दिया गया, इसके ट्रांजेक्शन क्या करेंगे? फंड ट्रांसफर। क्या करेंगे? बात क्लियर है? ट्रांजेक्शन, हाँ मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जहाँ पैसा खर्च नहीं हो रहा है, समझ रहे? लेन देन तो पेमेंट और रिसिप्ट वाली बात होती है, समझ में आ गई बात ना? चलिए अब कैसे करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक बात और याद रखिएगा, सबसे बड़ा अगर हथियार है तो चुप रहना, सबसे बड़ा अगर हथियार है इंसान के पास तो चुप रहना। कोई बात है, अगर आप सही हैं चुप रहिए, उसका समय आएगा, उसे एहसास हो जाएगा कि कौन सही था कौन गलत। नहीं, तीन बजे घटना, जैसे कि बच्चे बैच मुझे नया मिला हुआ है, पप्पू का सब नया नहीं है, पप्पू का बैच ना मुझे मिला हुआ है, तो किसम मैं सेकंड हैंड बैच पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, जितने बिगड़े हुए हैं सबको सुधार रहा हूँ, तो मिला हुआ है। तो मान लो अभी मैं गया तो नहीं होता, कुछ लोग जज करने लगते हैं पहले ही, कब बुक देख के कवर से जज कर लेते हैं, वही हाल है उनका, तो जगह जज कर लेते। तो कल पढ़ाया तो उन लोगों को बहुत मजा आया, परसों तो मान लो लगे होता कि नहीं सर प्रोफेसर आप ही पढ़ाइए, नहीं सर प्लीज ओवर एक, अब कल पढ़ा तो उनको बहुत समझ गया, और आज मैं क्या किया हूँ टेस्ट ले लिया, और जब पाया मैं 0 नंबर, और जो अपनी बातें में जो मोटिवेशन है जो भी लाइन में बोलता हूँ मैं बोलता हूँ, उनको अब रियलाइज हुआ है। तो जो बच्चियाँ हैं वही प्रदीप को भेज रही है, तो खुद आ रही थी, प्रदीप रोका है, तो वो यार जाके बुला के लाइए सॉरी, बोले चलो सर, हम बोले जाओ बोल दो सॉरी, मेरी बोलने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाया लगे, सॉरी सुनने के लिए खुद ही मैं बोलता हूँ। याद रखिएगा, इंसान जो पैदा होता है तो जीभ साथ में आती है, आती है नहीं आती, और दांत बाद में आता है। साफ कौन होता है? दांत जीभ, मरने के बाद भी जीभ साथ रहती है, लेकिन हम मरते हैं तो दांत नहीं रहते। तो एक्सीडेंट वाली बात नहीं करिए, मतलब नॉर्मली तो बूढ़े होके मरना चाहिए हम लोग को, अब बूढ़े होके जब हम लोग मरते हैं तो दांत रहता है, यानी कठोर चीजें कठोर ही रहती, और जो सॉफ्ट है उसका प्रवृत्ति वही है कि वो आपके साथ रहे। पढ़ता पढ़ता हूँ बुक वगैरह कभी कभी, तो हेलो हूँ मैं, पढ़ता तो 64 बिट्स का होना चाहिए, हूँ
पहले दिन कैसे चेक कर लीजिएगा, दिस पीसी राइट क्लिक प्रॉपर्टीज और यहाँ 64 बिट्स, अगर नहीं है फॉर्मेट करवाइए। स्टार्ट करें बच्चों। जी सर। जैसे पहला क्वेश्चन बच्चों देख सकते हैं आप, दिया हुआ है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 डिपॉजिट कैश 20 सॉरी 2 लाख इंटू एसबीआई करंट अकाउंट, यानी 2 लाख रुपया जमा हुआ है किसमें, एसबीआई के करंट अकाउंट में। अच्छा एसबीआई करंट अकाउंट पाया है कि दिया है, पाया है, पाया है तो डेबिट की क्रेडिट, तो जब एक डेबिट होगा तो सामने वाला क्रेडिट होगा, कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, जब बैंक डेबिट होगा तो कैश क्या होगा, और बैंक और कैश की बात आ गई, दो ही ट्रांजेक्शन बनेंगे बैंक और कैश, तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, कंट्रा वाउचर, कहाँ करेंगे कंट्रा वाउचर, कंट्रा वाउचर ओपन कर लीजिए। नॉर्मल तरीका तो हम जानते ही हैं, नॉर्मल तरीका कंपनी ओपन करिए पहले अपना वही वाउचर में, और कंट्रा की शॉर्ट कट की अभी जस्ट बताया है, लिखा भी होगा ये आपको, वेरी गुड। ये वाउचर बना के और क्या दबा देंगे, पेमेंट दिखा रहा है यहाँ पे ना, क्या दिखा रहा है पेमेंट, क्या दबा देंगे, देखिए क्या हो गया कंट्रा, यहाँ क्रेडिट और डेबिट आना चाहिए, दो मोड होते हैं, सिंगल एंट्री मोड में क्या होंगे क्रेडिट डेबिट नहीं आता, याद है ना, याद आ रहा है ना, और डबल एंट्री मोड में क्या होता है बच्चों क्रेडिट डेबिट आता है, अगर आप क्रेडिट डेबिट कर ले क्रेडिट डेबिट नहीं, टू और बाई आएगा, क्या आएगा, टू और बाई आपको समझ में आएगा नहीं, क्या करिएगा F12 दबा दीजिए, क्या दबा दीजिएगा, और यहाँ पहला ही ऑप्शन देगा यूज क्रेडिट डेबिट इन इंस्टेड ऑफ टू और बाय, यानी हम क्रेडिट और डेबिट का यूज करना चाहते हैं किसकी जगह पे, टू और बाय, इसको यस कर लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिएगा बस, अगर आपके में नहीं आ रहा होगा तब तो ऐसा करिए, और आ रहा है क्रेडिट डेबिट तो आराम से करिए, कोई तो दिक्कत ही नहीं है। इंटर क्रेडिट कौन होगा, क्या आया है कैश, अच्छा और पाने वाला कौन है, एसबीआई का, कितना कितना अमाउंट, अमाउंट नहीं डाला है क्या, अमाउंट डालिए 2 लाख, कितना 2 लाख, ठीक है। इंटर इंटर नोटों की संख्या, आपको बताया ना बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो आप नोटों की संख्या भी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं ऐसा है क्या, आपको एक बात बता दूं कि बैंक में जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब कलेक्शन किया जाता है तो हो सकता है उसमें पैसे की कमी आ जाती है, तो देखते हैं बैंक इतनी देर तक खुला रहता है, तब तक नहीं घर जाते हैं तब तक पूरी काउंटिंग कंप्लीट ना हो जाए, हिसाब मिल ना जाए, और सिर्फ कम होने में नहीं, नोट बढ़ अगर अमाउंट बढ़ भी गया कि 500 रुपया 2000 रुपया एक्स्ट्रा हो गया है कहाँ से आ रहा है, तीन ही एक्स्ट्रा समझ के जेब में डाल दिए घर निकल गए, तभी बैठ के मिलाइए कहाँ एक्स्ट्रा हुआ है, हो सकता है कोई कस्टमर ज्यादा नोट दिया हो कम गिना दिया हो, या 100 नोट हो 2000 का लिख दिया हो, 1,98,000 दिखना चाहिए 2 लाख, तो हर चीज इसी नोटों की संख्या लिया पता चल जाता है कौन कस्टमर कहाँ से कितना कैश लाया था, ठीक है, कितना 100 का जमा होगा कितना 500 का सब रिकॉर्ड होगा, तो हमने कह दिया 2000 का 100 नोट है, 100 नोट तो हो जाएगा 2 लाख ना, इंटर 2 लाख हो गया बराबर, हाँ बराबर, इंटर इंटर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामने देखिए आपने सामने वहां में देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 15,000 विड्रॉ किया गया किससे, एसबीआई करेंट से, किस नंबर, किससे, चेक के द्वारा, किस नंबर, 15,847 चेक से विड्रा किया गया, कैश निकाला गया किससे, एसबीआई करेंट से, एसबीआई देने वाला है कि पाने वाला है, देने वाला है तो देने वाला महान होता है ना, क्रेडिट कर दीजिए, और क्या दिया है कितना अमाउंट, 15,000 किसके द्वारा, चेक के द्वारा ना, यह चेक नंबर देख रहा है, इंस्टेंट नंबर जहां मांग रहा है वहां चेक नंबर डाल देते हैं 15,847, लेकिन कई लोगों में चेक नंबर नहीं आएगा डालने वाला, तो क्या करिएगा F12 दबाइएगा और ये वाला ऑप्शन 100 इंस्टेंट नंबर इसको यस कर दीजिएगा, कई लोगों में नो होगा, अगर नो होगा तो देखिएगा ऐसा आ रहा होगा चेक नंबर डालने वाला ही नहीं रहा होगा, तो क्या करेंगे F12 दबाएंगे और इंस्टेंट नंबर को क्या करेंगे यस करेंगे, अब कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे चेक नंबर आ जाएगा, डालिएगा यहाँ पे 15,847, डेबिट कौन होगा कैश, अच्छा कितना, अच्छा चेक का नाम नहीं दिया था यहाँ पे, नहीं दिया था, अच्छा
इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। दो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 20,000 रुपये ट्रांसफर किया गया है SBI करंट अकाउंट से SBI OD में। अच्छा, किसमें से किसमें डाला गया है? करंट से OD में। कौन दिया है, कौन पाया है? करंट दोनों तो SBI ही है। करंट दिया है, SBI का OD पाया है, दोनों तो SBI ही है। तो करंट दिया है, करंट को क्रेडिट करेंगे और OD को डेबिट। कैसे करेंगे देखिए, इंटर। तो ये SBI करंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। कितना अमाउंट? 20,000 क्रेडिट। चेक नंबर दिया है क्या आपने? नहीं दिया, नहीं दिया ना। इंटर। और डेबिट कौन हो जाएगा? SBI OD। अच्छा, जैसे ही 20,000 क्रेडिट करेंगे, उसका बैलेंस कितना हो गया है? 2,93,000। रेड में दिखा रहा है, चूंकि ये लोन का अकाउंट है ना, 2,93,000 है। 2,93,000 ये लोन का अकाउंट है, छोड़ दीजिए, चलिए कोई बात। इंटर इंटर इंटर। इंसर्ट नंबर दिया ही नहीं है, एक्सेप्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 20,000 डिपॉजिट हुआ है SBI करंट में और 30,000 डिपॉजिट हुआ है SBI OD में। तो SBI करंट भी पाया ही है और SBI OD भी पाया ही है, और गया क्या है? कैश। कैश क्रेडिट और SBI OD और SBI करंट क्या होगा? डेबिट। यानी कौन सा एंट्री है? कंपाउंड की सिंपल कंपाउंड है, क्योंकि मोर देन टू अकाउंट है ना। तो क्या कर दिया जाए? कैश को क्रेडिट कर दिया। किसको क्रेडिट कर दिया जाए? कैश को। कितना अमाउंट? दोनों को जोड़ लीजिए, 30, 20, 50। अच्छा, कितना करंट में जा रहा है? 20,000। 20,000। अब कितना, हाँ, नोट की संख्या डाल लीजिए, 20,000 10 नोट डाल लिया जाए। अच्छा, कितना OD में जा रहा है? 30,000। एक बात बताइए, अभी अभी इससे पहले देखे हैं आप, तो OD का बैलेंस कितना था, याद आ रहा है ना? चलो, समझदार हो गए हो। 2,93,000 था और दोनों का अकाउंट है, 2,93,000 था और इसमें 30,000 रुपया और आ जा रहा है। कितना आ रहा है? 30,000 रुपया। कितना अमाउंट हो जाएगा इसका? हाँ, कितना हो जाएगा? हाँ, तो बता दे, इधर देखो इधर। ए राम कुमार, कितना हो जाएगा पहले? हाँ, तो 27। 93 मान ना लो, 3 है ये, नहीं है ना बताइए। ना कैसे 2,30,000 बताइए, क्या क्यों? अच्छा, ना नहीं, आंसर होगा 2,63,000। पूछिए कैसे? अभी जस्ट मैं बोला हूँ, कौन सा अकाउंट है? OD अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? OD। OD का मतलब क्या होता है? लोन का अकाउंट। कैसा अकाउंट? जिसका बैलेंस रेड में दिखा रहा था, यानी किसमें है बैलेंस? माइनस में। यानी माइनस में आप 2,93,000 माइनस में है, 30,000 इसमें डाल दिए, कितना हो जाएगा इसका बैलेंस? कम हो जाएगा ना, 30,000 रुपया। मतलब कि अब कितना कर्जा रह गया आपके ऊपर? 2,30,000 रुपया और कर्जा रह गया, यानी बैलेंस ही आएगा, 2,63,000 आएगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि OD अकाउंट है, लोन का अकाउंट है। तो जब इसमें आएगा तो अमाउंट घटेगा, जब इसे पेमेंट करेंगे तो क्या अमाउंट बढ़ जाएगा, कर्जा और बढ़ जाएगा। मतलब 50,000 पेमेंट कर दिए इससे 50,000 और पेमेंट कर दिए, तब कितना हो जाएगा? अच्छा कर्जा बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2,43,000, 3,43,000 हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2,63,000। चलिए देख लेते हैं, सही बता रहा हूँ कि गलती बता रहा हूँ। इंटर। ठीक है, तो नोटों की संख्या कितना है? 30 है ना, 15। कितना हो गया? 2 लाख सही है। क्यों, 3,300 वाले कहाँ गए? बारे नहीं, कई लोग कह रहे थे, इसीलिए मैं नोटिस करवाया हूँ। देखिए लाल दिख रहा है, OD है। मैं सोचा हूँ कोई तो दिमाग लगाएगा, कोई तो एक दूसरे को फाइल से दिमाग लगा लिए। बोलिए मत, उस जगह पर मैं भी बैठता हूँ, बस कुछ टाइम यहाँ रहता हूँ, बाकी मैं भी तो बैठता हूँ। आप लोग की हर हर हरकत से वाकिफ हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, पांचवा क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ट्रांसफर किया गया है 10,000 रुपया कैश, किसमें? पेटी कैश में। तो सबसे पहले ये बात करते हैं, पेटी कैश क्या होता है? क्या पेटी कैश क्या होता है? तो बताइए पेटी कैश क्या होता है, सुनिएगा।
मान ली इस इंस्टीट्यूट के मालिक कौन है, ऑनर कौन है, उसका सर है, उसका सर है। मान लीजिए उनको घर जाना था 10 दिन के लिए, उन्होंने क्या किया, मुझे 10,000 रुपया दे दिया कि सर वे ये लो 10,000 रुपया अपने पास रखना और इंस्टीट्यूट का जितने भी खर्चे होंगे इसी से खर्च करिएगा। यानी कि जो उन्होंने दिया मुझे यहाँ खर्च खर्च के लिए, घर खर्च के लिए, इंस्टीट्यूट के खर्च के लिए, चाय नाश्ता पानी जो भी हिसाब किताब कापी पेन जो भी खरीदना हो खरीदिए गए, तो पैसा जो इसमें मैंने दिया उन्होंने दिया मुझे इस संस्था के खर्च के लिए, वो क्या कहलाएगा, पेटी कैश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये नहीं समझिएगा पेटी में रख देंगे पैसा तो पेटी कैश हो जाएगा, ठीक है। पेटी कैश का मतलब किसी ने आपको दिया होगा किसी कार्यभार संभालने के लिए, उन्होंने अच्छा पेटी कैश, समझ में आ गया बात ना, तो पेटी कैश। तो कैश का अलग ग्रुप होता है कैश इन हैंड, कैश जब कैश जो अल्टर मोड में जाकर देखते हैं आप लोग कैश अमाउंट डाले थे तो कैश का अलग ग्रुप क्या दिया था, कैश इन हैंड। जब कैश का ग्रुप अंडर ग्रुप होता है कैश इन हैंड तो पेटी कैश का भी क्या होगा, कैश इन हैंड ही होगा, यानी एक लेजर बनाना होगा ना, क्या जा रहा है कैश, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश को क्या कर दिए क्रेडिट कर दिए, कितना अमाउंट है 10,000 इंटर, और डेबिट कौन होगा पेटी कैश, पेटी कैश बनाया कभी, क्या करेंगे अर्थ की और लिख देंगे पेटी कैश इंटर, और यहाँ क्या लिखेंगे कैश इन हैंड 10,000 रुपया, हो गया ना 10,000 इंटर एक्टिव हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला अगला कह रहा है, सुनिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि विड्रा किया गया है 7,000 रुपया अपना में एसबीआई करंट से, किसे निकाला गया है और किसमें डाल दिया गया है, पेटी में, यानी पेटी में गया है। अच्छा कौन दिया है, एसबीआई करंट अकाउंट, किसको क्रेडिट करेंगे, एसबीआई करंट को क्रेडिट करेंगे, एसबीआई करेंट को क्रेडिट करेंगे, कितना अमाउंट 7,000 रुपया किसमें डालेगा, पेटी कैश में। अच्छा बताइए पेटी कैश में ऑलरेडी कितना पैसा डाल चुके हैं, 10,000, 7,000 और डालेंगे कितना हो जाएगा 17,000 हो जाएगा, तो वही डाल लीजिए यहाँ पे पेटी कैश। देखिए अभी नीचे बैलेंस का दिखाएगा 17,000, देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है 11,000 दिखा रहा है, बस यही क्वेश्चन आज आपको करना है, यही क्वेश्चन बच्चों आज आपको करना है। पेमेंट पढ़ा दे के रहने दे, अच्छा चलो अभी चल चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल, कल का टॉपिक होगा हमारा पेमेंट वाउचर, तब तक के लिए तब तक है।